सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का समय। जिस दिन से आपने दुष्टों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। गरीबी और समृद्धि दोनों विचार का परिणाम है। आज का पंचांग 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, सुबह 10:03 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर शाम 7:49 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें लेकिन आवाज को थोड़ा नीची रखें। पुराने बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें। दूसरे लोग खास तौर पर आपके अधीनस्थ अभी आपकी सहायता चाहते हैं। यदि आप कानूनी या स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो मित्रों और रिश्तेदारों की मदद जरूर लें। नए प्रशिक्षण शुरू करने या नए कौशल सीखने का भी समय बहुत अच्छा है। आपके प्रयास बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायता करेंगी। आपने जो परिपक्वता प्राप्त की है उससे आप दूसरों को अधिक देने और स्वयं कम लेने में विश्वास करते हैं। पुराने परिचितों से मिलने की संभावना है। किसी सलाहकार और परिवार के साथ जुड़े रहें ताकि जरूरत के समय सहायता मिल सके। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। भले आप उत्साह से भरे हों फिर भी आज आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आज आपके साथ नहीं है। अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया था तो उसे आज लौटा दे, नहीं तो वो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है। घरेलू मामले और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी प्यार आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। आज धार्मिक कार्यों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। शादी के साथ वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुमकिन है। अच्छा, आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की बेहतरीन संभावना है, इसीलिए भरपूर मेहनत और विश्वास बनाए रखें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन रहेगा तथा इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। दो अलग बातों में संतुलन बनाकर अपनी निर्णय को आगे बढ़ाना होगा। परिवार के लोगों के साथ हुआ विवाद बढ़ने की संभावना है। भविष्य संबंधी चिंता के कारण काम से ध्यान भटक सकता है, इस कारण गलती होने की संभावना है। यह इसी काम को दोबारा करना पड़ेगा। क्षमता से अधिक पैसा खर्च करने से बचें। फिलहाल व्यापार से जुड़े रिस्क ना लें। रिलेशनशिप में स्थिरता के कारण विवाद संबंधित बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। बीपी और शुगर के कारण तकलीफ होने की भी संभावना है। ख्याल रखें अपना। कार्य क्षेत्र में आप अपने सहयोगी से यदि मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी और आप टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को समय से पहले पूरा करेंगे। आप अपने माताजी से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्यों को नौकरी मिलने के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। सावधानियाँ।
कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ली तथा अनजान लोगों के संपर्क से भी दूर रही। जायदाद संबंधित किसी भी प्रकार का ऋण लेने से पहले उससे संबंधित पहलुओं पर उचित विचार विमर्श अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप ऐसे किसी आदमी की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती हैं। इस नए रोमांटिक साथी के साथ आप बेहद खुश महसूस करेंगे। हालांकि कुछ समय के बाद आपको यह सब बकवास लगने लगेगा और आप इससे बाहर आना चाहेंगे। अभी अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीकों के बारे में सोचें। आपका प्रेम जीवन उज्जवल रूप से चमकने वाला है। एकल लोगों के लिए यह अपनी स्वतंत्रता को अपनाने और आत्म खोज में गहराई से उतरने का सही समय है। व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रेम पर ध्यान दें। आपके जुनून और रुचि आपको अत्यधिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप भावी साझेदारों के लिए और भी अधिक आकर्षक बनेंगे। जो लोग रिश्तों में हैं उनके लिए आपका करिश्मा और गर्मजोशी आपके बंधन को मजबूत करेगी। अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को अपने साथी के साथ साझा करें और आपको जुड़ने के नए तरीके मिलेंगे। याद रखें, आपकी जीवंत ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे चमकने दें। बात करते हैं करियर की। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज के दिन उचित नहीं कहा जा सकता। आपका काम, नौकरी और कर्तव्य आपकी प्राथमिकता है, जिससे आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। इस समय दुर्घटना, रोग, धोखा या बाधाओं से सावधान रहें। आज कार्यस्थल पर नई परियोजनाओं और कार्य की शुरुआत की संभावना है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है। मार्केटिंग रणनीतियों, व्यापार योजनाओं और बिक्री योजना पर कार्य करने के लिए ऑनलाइन सहायता लें। दूसरों की सलाह से पहले ही योजनाएं बना लें ताकि आपकी क्षमताओं के बारे में अन्य लोग भी जानें। आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपके अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हैं। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं, यह सब अच्छा नहीं होगा। बस धैर्य रखने की आपको जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इस समय व्यवसाय में कोई भी रिस्क लेना फायदा देगा। अपने कार्य क्षेत्र में आपने जो नई रणनीतियां और योजनाएं बनाई हैं, उन पर पूरी मेहनत से काम करें। नौकरी में नए अवसर और ऑफर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उच्च अधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। स्वास्थ्य के लिए आरामदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। आपको पूरा आराम मिले इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला भी मिलेगा। आज का उपाय। आज आप भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।